मैंने हमेशा कोलकाता नाइट राइडर्स के सफर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रदर्शन और भावनाओं के लिहाज से। एक बार फिर यह टीम अपने प्रशंसकों को ऐसे ही उतार चढ़ाव से रूबरू करा रही है। टीम ने अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीते, जबकि इसके बाद लगातार 5 मुकाबले बनवाए। अब टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 4 मुकाबले जीतने की जरूरत है। यह बेहद मुश्किल है क्योंकि टीम की हर हार के साथ प्रतिस्पर्धा और कड़ी होती जा रही है। मैं यह देखने के लिए बेहद उत्सुक हूं कि क्या दिनेश कार्तिक ऊपरी क्रम पर खेलने आते हैं या नहीं। कई बार कप्तान अपनी खुद की भूमिका को आंकने में भूल कर बैठते हैं। ऐसे में कार्तिक को 4वें या 5वें नंबर पर उतरना चाहिए और रसेल को 5वें या 6ठे नंबर पर। अभी तक दोनों को ही खेलने के लिए अधिक गेंदें नहीं मिल सकी हैं। केकेआर को अब राजस्थान रॉयल्स का सामना करना है, जो इस सीजन में जोस बटलर पर अधिक निर्भर रही। आर्चर के 4 ओवर बेहद अहम। बेन स्टॉक्स के लिए भी यह सीजन खराब साबित हुआ है। बटलर की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ और रहाणे को जिम्मेदारी उठानी होगी। टीम को स्टॉक्स की अधिक कमी नहीं खलेगी क्योंकि वे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन आर्चर की गैर मौजूदगी उसके लिए बड़ा झटका है। टीम के लिए आर्चर के 4 ओवर बेहद अहम रहे हैं।